हेलो गाइस, आई एम विशाल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। गाइस यार, क्या आप ये जानते हैं कि जो भी आपके प्लेन्स होते हैं उनके जो टायर्स के ऊपर रबर लगाई जाती है वो कंडक्टिंग इन नेचर होती है, वो इंसुलेटिंग इन नेचर नहीं होती। मीन्स जो भी आपके एयरप्लेन्स की रबर्स होती हैं उनके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है। वहीं पर अगर हम एक ऑर्डिनरी रबर की बात करें तो उसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, उसको हम अपने एज अ इंसुलेटर यूज में लेते हैं। हम रबर की स्लीपर्स पहनते हैं, हम रबर की अपने वायर्स के ऊपर कोटिंग करते हैं ताकि हमें शॉक ना लगे। वहीं पर अगर हम एक स्पेशल टाइप की रबर की बात करें जो कि हमारे एयरप्लेन्स की रबर्स होती हैं, एयरप्लेन्स के टायर्स की रबर होती हैं, तो उनको कंडक्टिंग इन नेचर रखा जाता है। तो क्या रीजन है, क्या पर्पस है इसको कंडक्टिंग बनाने का, मैं आपको बताता हूँ। तो यार, होता क्या है कि जब भी आपका प्लेन रनवे पर आता है या रनवे से टेक ऑफ करता है या रनवे पर लैंडिंग करता है, उस कंडीशन में जो उसकी स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो आपके प्लेन्स के जो टायर्स हैं उनके में फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो हैं वो अकोमोडेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स गाइस, आपने ये बचपन में भी देखा होगा, अगर हम एक हेयर कॉम जो कि एक इंसुलेटर है उसको अपने अपने हेयर पर रब करते हैं तो वो भी चार्ज हो जाती है, वो भी पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। तो हमें यहाँ से एक पॉइंट तो क्लियर है कि फ्रिक्शन की वजह से हम एक इंसुलेटिंग चीज़ को भी जो है कंडक्टिंग बना सकते हैं अगर हम उसके चार्जेस को ट्रांसफर करते हैं। सो यार, वो जो टायर है आपका अगर प्योरली इंसुलेटर रखा जाता है तो इतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, इतना ज्यादा फ्रिक्शन उस टायर पर आएगा जब वो लैंडिंग करेगा या टेक ऑफ करेगा, जिसकी वजह से वो जो है चार्ज हो जाएगा। अब जब उस टायर्स पर चार्जेस आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे उस प्लेन्स के ऊपर, मीन्स आपके एक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है एनर्जी वो स्टोर रहेगी। सो यार, ये जो अकोमोडेशन ऑफ चार्जेस है ये इसकी वजह से होता क्या है कि जो भी आपके एयरप्लेन्स के अंदर कंट्रोलिंग की गई है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स यूज में लिए गए हैं, उसको अफेक्ट करेगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अपने हमारे एयरप्लेन्स के जो टायर्स होते हैं उसको स्लाइडली कंडक्टिंग रखते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि ड्यूरिंग लैंडिंग और ड्यूरिंग टेक ऑफ जो भी चार्ज अकोमोडेट होते हैं हमारे टायर पर ड्यू टू फ्रिक्शन, वो दोबारा अर्थ पर आ जाते हैं ड्यू टू आपके जो है कंडक्टिंग इन नेचर ऑफ द टायर, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो स्मूथ आपकी लैंडिंग होती है, स्मूथ आपका टेक ऑफ होता है, हमारी जो कंट्रोलिंग है वो भी सही रहती है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है वो डैमेज नहीं होते। तो गाइस, ये रीजन होता है हमारे टायर्स को कंडक्टिंग रखने का, उसको इंसुलेटर इसलिए नहीं रखा जाता, इसलिए स्पेशल टाइप ऑफ रबर जो है हमारे अपने एयरप्लेन्स के अंदर यूज में ली जाती है। तो आई होप गाइस, वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपने नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू। Thank you.